हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में फेमस यूट्यूबर के आरके और बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस सारा अली खान से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि के आर के आए दिन अपने ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, वहीं अब उन्होंने बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस सारा अली खान का मजाक उड़ाया है, जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कमाल राशिद खान उर्फ के आर के खुद को क्रिटिक्स बताते हैं और अक्सर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वे अपने ट्वीट में बॉलीवुड स्टार्स का खूब मजाक उड़ाते हैं। इसके लिए कई बार उन्हें कानूनी पचड़े में भी फंसना पड़ा है। इसके बावजूद के आर के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। फिलहाल उन्होंने बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस सारा अली खान पर निशाना साधा और अपने लेटेस्ट ट्वीट में सारा का खूब मजाक भी उड़ाया है। तो फ्रेंड्स, खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले के आर के जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, कमाल राशिद खान उर्फ के आर के ने सारा अली खान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, देखो बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है, जैसे सारा अली खान का आया है। आज बेचारी को कोई फिल्म देने को तैयार नहीं है, तो बेचारी शहनाज गिल के थके हुए शो में गई, यहाँ तक कि क्रिटिक भी बन गई है और अब फिल्मों का प्रमोशन भी कर रही है, तरस आता है बेचारी पर। वैसे सारा ही नहीं, के आर के तो सलमान खान का भी मजाक उड़ा चुके हैं। हाल ही में के आर के ने सलमान खान की लेटेस्ट रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान का मजाक उड़ाया था। के आर के ने लिखा था, ये फाइनल है कि किसी का हाथ किसी की टांग, पहले दिन मैक्सिमम 7 से 9 करोड़ रुपए का कारोबार कर पाएगी। मैंने कहा था कि इंसा अल्लाह 10 क्रॉस नहीं करने दूंगा और कर दिया साबित। वैसे हम आपको बताते चले तो सलमान खान की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर चुकी है। वहीं अगर बात सारा अली खान के वर्क फ्रंट की जाए तो एक्ट्रेस फिलहाल आदित्य रॉय कपूर के साथ फिल्म मेट्रो इन दिनों की शूटिंग में बिजी हैं। ये फिल्म 8 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा सारे अली खान के पास ए वतन मेरे वतन फिल्म भी है, इसमें एक फ्रीडम फाइटर के रोल में वो नजर आएंगी। ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। सारा आखिरी बार विक्रांत मैसी के साथ गैसलाइट फिल्म में नजर आई थी। वहीं अगर बात के आर के की जाए तो के आर के ने जो सारा अली खान को लेकर ट्वीट किया है, इसके चलते वो सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं। जहां एक तरफ के आर के के इस ट्वीट से फैंस सहमत है, तो दूसरी तरफ इन्हें ट्रोल भी किया जाता है। फिलहाल तो के आर के का ये काम ही बन चुका है, वो आए दिन किसी न किसी बॉलीवुड सेलेब्स को लेकर उल्टी सीधे ट्वीट करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर इनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता है और इसी के चलते के आर के सोशल मीडिया पर छाए भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, के आर के के इस ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।